IVM पैसा वैसा विद अनुपम गुप्ता में आपका स्वागत है। ये वो शो है जहां आपको पैसों की दुनिया से जुड़े सवालों का हल मिलेगा। कहां पैसे बचाएं, कहां लगाएं, कहां कमाएं, बस सवाल पूछिए और जवाब पाइए। पैसा वैसा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता B50 ऑन ट्विटर और मेरे साथ ये थर्सडे स्पेशल एपिसोड है जहां हम लिसनर्स के क्वेश्चन लेते हैं। मेरे साथ है आशीष सोमाया, सीईओ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आशीष, हमारे लिसनर का एक सवाल आया है कि जो डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, आप जरा बताएंगे प्लीज। डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरह की काबिलियत चाहिए, उतना जो भी हम कहते हैं जैसे रिसर्च या उतना मेहनत किया होना चाहिए, रीडिंग चाहिए, उतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंपनियों के बिजनेसेस और कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। और क्या है कि हर चीज़ में हम लोग एक आउटसोर्सिंग हमारे समझ में आता है। जैसे तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लीगल प्रॉब्लम होती है तो लॉयर के पास जाते हैं। उसी तरह से क्या है कि हमारी जो एक्सपर्टाइज है या जिस चीज में हम बहुत काबिल है, फंड मैनेजमेंट शायद उसमें नहीं है। तो हम पैसा कमा सकते हैं लेकिन हमारा पैसा हमारे लिए आगे जाके और बढ़त दिखाए उसके लिए प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर म्यूचुअल फंड होता है। करेक्ट। और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कि केवल इक्विटी है, बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कमोडिटीज के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हर तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके अनुसार आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। एंड फोक्स, वो फर्क होता है डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना। आशीष, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। फोक्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। पैसा वैसा सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी या सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @IVMPodcast, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं paisavaisa@indusvox.com पर। इस शो पर बताई गई चीजों को फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे मत लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अपने पैसों का निवेश करने से पहले कृपया किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। As you can see, we have a podcast listener in his natural habitat. Millions of years of evolution have led him to this point. He's on his way to work and listening to podcasts makes his miserable day better. He will now head to work and use all his knowledge to communicate with other colleagues and possibly future mates. You can find more of his species on IVMPodcasts.com, your one-stop destination where you can check out all the coolest Indian podcasts. Happy listening.